लंबे समय से लाल आतंक झेल रहे अनुसूचित जनजाति जिले मोहला के अंतिम शोर में बसे औंधी तहसील के रहने वाले थानेदार के रंगदारी, अवैध वसूली, गाली गलौज और मारपीट को लेकर गुरुवार को लामबंद होते हुए ग्रामीणों ने आरोपों के साथ प्रेस वार्ता कर अपनी आपबीती सुनाई। पीड़ितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी, मोहला मानपुर विधायक इंद्र शाह मंडावी सहित भाजपा के भी जनप्रतिनिधि, औंधी थाना प्रभारी सुशील त्रिपाठी की कार्यप्रणाली को लेकर पीड़ित महिला और पुरुष ग्रामीणों के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए। शिकायतकर्ता महिला और पुरुष ग्रामीणों का कथन है कि औंधी थाना प्रभारी गांव में पहुंचकर कच्ची शराब पकड़ने के बहाने किसी के भी घर में घुस जाते हैं, उनके परिवार के मुखिया या महिला को उठाकर थाने ले जाकर मारपीट कर वसूली करते हैं। किनको दिया 1500? इन्हीं को दिए, अंदर बहन दमान है, मेरे सामने में दिए। नहीं नहीं उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इतना दबाव किए ये लोग तो उस दिन थाना जब ये आपके घर ये भी पहुंचे थे कि घर थानेदार के साथ? नहीं सर, गए कि नहीं तो मेरे को इतना मालूम नहीं। फिर अगल बगल रहे थे, मैं अंधेरा में अलमारी के पास गए ना तो यहाँ तिजोरी क्या सोना चांदी भरा है बोले, तो थोड़ा बहुत रहता है तो वही अलमारी में तो डालते हैं। चलिए ठीक है, आपके पति तो मतलब यही हुआ ना, आपके पति के साथ मारपीट किए और आपसे 1500 रुपये लिए उनको छोड़ने के नाम से, ठीक है? और किनको दिए? किनको दिए? मेरे बहन दमान को, मेरे बहन दमान मांगे और इन्हीं को दिए, इस साथ को। वो मुंशी है ना, सामने में बैठा था ना। आप सब निषाद बोल रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा मत करो आप लोग। हाँ आप SI हैं और ये वाकई बहुत गंदगी है। हाँ निषाद जी, बोले हो मेरे पति को भी महाराज जात के लोग कोढ़े रहते हैं बोल। नहीं नहीं, मैं उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। कमाई मेरा पति नहीं खाता, कमाई करते हैं तभी खाते हैं। मेरे पति को भी निषाद बोले हैं सर, महाराज जात कौन कौन ये बोले? आप ही का नाम आ रहा है निशा जी? इसमें जो दोषी पुलिस के अधिकारी है, कर्मचारी है, चाहे वो DI हो, जो भी जिम्मेदार अफसर, उनके खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, केवल स्थानांतरण करके खाना पूर्ति की कार्रवाई नहीं चाहिए। जिन आदिवासियों के साथ अकारण मारपीट की गई, जिन जनप्रतिनिधियों के साथ अकारण मारपीट, ऐसे मामले कि महिलाओं के साथ मारपीट पुलिस के अधिकारियों द्वारा की जा रही है, वो भी महिला पुलिस की अनुपस्थिति में घर में घुस के मारपीट के, तो किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है और यह क्षमा योग्य भी।